What matters the most? भारत matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, भारत की स्पेस जर्नी ने शानदार उड़ान भरी है। किसी वक्त साइकिल और बैलगाड़ी से अपना स्पेस ट्रैवल स्टार्ट करने वाला भारत आज मून और मार्स पर पहुंच रहा है। वहीं रिसेंटली हमने सन को क्लोजली स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। यही कारण है कि आज इसरो वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट स्पेस एजेंसीज में से एक है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम को अपने नेक्स्ट बिग फेज में ले जाने के लिए पीएम मोदी ने इसरो को एक नया और एम्बिशियस टारगेट सेट करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टैब्लिश करने और 2040 तक किसी इंडियन को लूनर सरफेस पर भेजने का लक्ष्य होना चाहिए। आज के डिस्कशन में हम भारत के न्यू स्पेस मिशन टारगेट्स की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इंडियन स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करने के प्लान के बारे में डिटेल में समझेंगे, साथ ही मून पर इंसान को भेजने की प्लानिंग के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, अपने स्पेस प्रोग्राम को उसके नेक्स्ट बिग फेज में ले जाने के लिए इसरो साल 2040 तक मून पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने का प्लान कर रहा है। इसके साथ ही इसरो की प्लानिंग 2035 तक अपने खुद के स्पेस स्टेशन को तैयार करने की है। दरअसल इंडिया के गगनयान मिशन के प्रोग्रेस को रिव्यू करने और स्पेस एक्सप्लोरेशन में देश के फ्यूचर के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट हुई थी, जिसमें शामिल हुए पीएम मोदी ने हमारे स्पेस मिशन की नई उड़ान की बात कही। इस विजन को हासिल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मून एक्सप्लोरेशन के लिए रोडमैप तैयार करेगा, जिसमें चंद्रयान मिशन की एक सीरीज, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट, एक न्यू लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज का एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने गगनयान मिशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड किया था, जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स और सिस्टम क्वालिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को हाईलाइट करता है। मीटिंग में करीब 20 मेजर टेस्ट प्लान डिस्कस की गई, जिसमें ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLVM-3 के 3 अनक्रूड मिशन भी शामिल थे। दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी ने अब तक रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और बाकी दूसरी चीजों में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन ह्यूमन मिशन वो जगह थी जहां इंडिया पिछड़ रहा था। ऐसे में मून पर इंसानों को भेजना इसरो का नेक्स्ट लेवल होगा और इंडियन स्पेस स्टेशन उस डायरेक्शन में बड़ा कदम साबित होगा। वहीं भारत स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला चौथा कंट्री होगा, क्योंकि US, रशिया और चाइना ऑलरेडी अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर चुके हैं। स्पेस स्टेशन के लिए भारत का प्लान ऐसे समय में सामने आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी NASA 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को शटडाउन करने के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। नासा ने ISS को वापस लाने के लिए $1 बिलियन का प्लान डिस्क्लोज किया है। उसका एम एक नए ऑर्बिटल व्हीकल को डेवलप करना है, जो इस प्रोसेस में काफी अहम होगा। इसरो चीफ S. सोमनाथ के मुताबिक भारत अगले कुछ सालों में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। एक इंटरव्यू में S. सोमनाथ ने कहा था कि गगनयान प्रोग्राम स्पेस में ह्यूमन फ्लाइट कैपेबिलिटी की ओर एक कदम है और एक बार ऐसा होने पर हम सबसिक्वेंट मॉड्यूल्स में स्पेस स्टेशन बिल्डिंग को देख पाएंगे। इंडिया ने अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की इनिशियल प्लानिंग 2019 में शुरू की थी, जब इसरो ने अनाउंस किया था कि वो 2021 तक इंडिया के फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान के लॉन्च के बाद अगले 10 साल के भीतर अपने खुद की स्पेस स्टेशन सेटअप करेगा। लेकिन COVID-19 पैंडमिक की वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को आगे बढ़ा दिया गया था। गगनयान के बाद इंडिया का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप एक स्पेस स्टेशन सेटअप करना है और फिर मून पर एक मैन्ड मिशन को भेजना। पूर्व इसरो चीफ के सिवान ने अपने टेन्योर के दौरान कहा था कि इसको लेकर हमारे पास काफी क्लियर प्लान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन स्पेस स्टेशन बिल्ट होने पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होगा और ये ISS से साइज में छोटा होगा। के सिवान के मुताबिक इंडिया एक स्मॉल मॉड्यूल लॉन्च करेगा और इसका यूज माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाएगा। फिलहाल लोगों को स्पेस टूरिज्म पर भेजने जैसे इंडिया की कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। करेंटली ISS इस फील्ड में एकमात्र ऐसी फैसिलिटी है। ISS अर्थ के लोअर ऑर्बिट में फंक्शन करता है, जो सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर उड़कर 90 मिनट्स में हमारे प्लैनेट का कंप्लीट सर्किट पूरा करता है। इस स्पेस स्टेशन को 1998 में US, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज की पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट LEO में ह्यूमन क्रू को सेफली ऑर्बिट करने के बाद एक स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, जिसे कई एडवांस स्पेस फेयरिंग कंट्रीज ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए अपनाया है। इसरो का अनाउंसमेंट भी इस प्रोग्रेशन के अनुकूल है।
स्पेस स्टेशन भारत के लिए कई तरह से बेनिफिशियल होगा। इससे इंडिया की ना सिर्फ स्पेस बल्कि अर्थ की मॉनिटरिंग एबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। इस स्टेशन पर इंडियन साइंटिस्ट कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकेंगे और इनके रिजल्ट्स का वाइडली यूज किया जा सकेगा। स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल्ड कैमरा से इंडिया अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स हासिल कर सकेगा, जो मैपिंग जैसी एक्टिविटीज को आसान बनाएगा। पास्ट की कुछ पॉलिसीज की वजह से इंडिया ISS का यूज नहीं कर सकता है और यही वजह है कि अपने अपकमिंग स्पेस मिशंस के लिए इसरो ने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। वहीं जैसा कि हमने पहले बताया था कि ISS आने वाले कुछ सालों के बाद फंक्शन नहीं कर सकेगा, ऐसे में यदि भारत इसके यूज की कोशिश भी करता है तब भी हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया गगनयान मिशन के सक्सेस के बाद भी इस मिशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में हमें स्पेस स्टेशन की जरूरत होगी। वैसे इंडिया की प्लानिंग अभी स्पेस टूरिज्म की नहीं है, लेकिन जिस तरह से SpaceX और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनीज स्पेस टूरिज्म के थ्रू इसका एडवांटेज लेने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसमें नासा भी शामिल हो गया है, ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि इस फील्ड में प्रोग्रेस करे ताकि फ्यूचर में स्पेस में होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हासिल किया जा सके। यदि स्पेस स्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑर्बिट में प्लेस्ड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और उसका यूज स्पेस में मैंड ऑपरेशंस के लिए लॉन्ग टर्म बेस के तौर पर किया जाता है। इंडियन स्पेस स्टेशन अर्थ से 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर तैनात होगा। प्रपोज इंडियन स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही होगा, लेकिन ये साइज में उससे स्मॉल होगा। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार इसका वेट करीबन 20 टन होगा और इसे बनाने में 5 से 7 साल लगेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। स्पेस स्टेशन का प्रीलिमिनरी प्लान एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 15 से 20 दिन तक अकोमोडेट करने का है, लेकिन गगनयान मिशन के कंप्लीट होने के बाद इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स सामने आएंगी। दोस्तों, स्पेस स्टेशन का निर्माण करना काफी इंपॉर्टेंट है, पर यह काफी चैलेंजिंग मिशन है। इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की जरूरत है। इंडिया ने सैटेलाइट डेवलपमेंट में दुनिया में अपनी काबिलियत और ताकत का लोहा मनवाया है, लेकिन स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन और उसके मेंटेनेंस के लिए कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत होगी। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी शामिल है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स इसरो का साथ दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा मिलने से रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसरो एरोस्पेस स्टार्टअप्स को असिस्ट कर रहा है। वहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इस राह में इसरो के लिए एक मोस्ट हर्डल हो सकता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है और इसके लिए सब्सटेंशियल बजट की जरूरत होगी। दरअसल ISS के कंस्ट्रक्शन में $160 बिलियन की कॉस्ट आई थी। वैसे इंडिया का स्पेस स्टेशन साइज में ISS से छोटा होगा, बावजूद इसके सरकार को इस पर बड़ी रकम खर्च करनी होगी। इसके लिए भारत को एडिक्वेट फंडिंग इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर करने होंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। इसके अलावा भारत ने रोबोटिक मिशंस में सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल की है, लेकिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। स्पेस स्टेशन के निर्माण और उसके ऑपरेशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वेल ट्रेन्ड टीम की जरूरत है। इंडिया को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और क्रूड मिशंस के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि भारत तमाम ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा और एक बार फिर से स्पेस सेक्टर में अपना परचम लहराएगा। दोस्तों, 2035 तक स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करने और 2040 तक मून पर इंडियन एस्ट्रोनॉट भेजने का कमिटमेंट निश्चित रूप से इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को काफी आगे ले जाएगा। ये एम्बिशियस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन और इससे रिलेटेड फील्ड्स में सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये रिसर्च के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, साथ ही इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और पब्लिक इंटरेस्ट को स्टिमुलेट भी करेगा। इंडिया ने स्पेस फील्ड में रिसर्च की शुरुआत के बाद से शॉर्ट पीरियड और लिमिटेड रिसोर्सेज के कई रिकॉर्ड्स अचीव किए। लो कॉस्ट में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है। इंडिया की ये लेगेसी स्पेस फील्ड में आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने में सक्षम बनाती है। यही वजह है कि जब से इंडिया ने स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने की घोषणा की है, तब से पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी है और उम्मीद है कि इसरो अपने एम्बिशंस और फ्यूचर एम्स को जरूर कंप्लीट कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम।
एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।